वेलकम टू मोटर रिव्यूज़। आज बात करेंगे ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक रोडस्टर 350। रॉयल एनफील्ड इस साल काफ़ी न्यू बाइक्स को लॉन्च करेगा, स्क्रैम्बलर से लेके रेट्रो बाइक तक। एंड इन बाइक्स के साथ रॉयल एनफील्ड एक और नई बाइक को लॉन्च करेगा, रोडस्टर 350 को। कुछ साल पहले रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी सेगमेंट की बाइक्स पर कंप्लीट मोनोपोली थी, बट अब कुछ सालों में जावा, यजदी, होंडा ने भी 350 सीसी कैटेगरी में अपने बाइक्स उतार दिए हैं, जो कि रॉयल एनफील्ड के बाइक्स को काफ़ी टक्कर भी दे रहे हैं, जिसके कारण रॉयल एनफील्ड अब काफ़ी न्यू सेगमेंट पे वर्क कर रहे हैं। जल्द आपको 2022 में इस साल में रॉयल एनफील्ड के काफ़ी न्यू बाइक्स के लॉन्च देखने को मिलेंगे। जल्द रोडस्टर 350 जो कि क्रूजर सेगमेंट बाइक होगा उस पर भी वर्क स्टार्ट हो चुका है। रिसेंटली इस बाइक के नेम को रजिस्टर भी करा लिया है रॉयल एनफील्ड ने। रोडस्टर 350 में आपको क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, प्राइस कितना होगा एंड इस बाइक का लॉन्च आपको कब तक देखने को मिलेगा, डेली अपकमिंग बाइक्स के अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। रोडस्टर का डिज़ाइन ओवरऑल क्रूजर लुक में होगा। वैसे तो मेटियोर 350 भी अवेलेबल है, बट ये बाइक फुली क्रूजर बाइक नहीं है। रोडस्टर में आपको राउंड हेडलाइट के साथ लॉन्ग एंड वाइड हैंडल बार्स भी मिलेंगे, जिसके साथ इस बाइक में आपको ईजी क्रूजिंग भी मिल जाएगी। सीट हाइट इस बाइक की काफ़ी लो होगी, सीट इस बाइक की काफ़ी ब्रॉड एंड वाइड भी होगी, जिसके कारण इस बाइक में आपको कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। फ्यूल टैंक भी काफ़ी मस्कुलर होगा। फ्रंट एंड रियर में टायर साइज काफ़ी ब्रॉड होगा। फुटपैक फॉरवर्ड सेट पोजीशन पे होंगे। रियर में इस बाइक में आपको स्मॉल बैक रेस्ट भी मिल जाएगा। सिटी राइडिंग एंड लॉन्ग टूरिंग के लिए रोडस्टर 350 काफ़ी परफेक्ट बाइंग ऑप्शन होगा। रोडस्टर 350 बेस्ट हाई सेलिंग बाइक होगा रॉयल एनफील्ड का, क्योंकि अभी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में एक भी सिंगल क्रूजर बाइक की ऑप्शन नहीं है 350 सीसी इंजन में। अलॉय व्हील स्पोक डिज़ाइन में होंगे। सस्पेंशन इसमें आपको मिलेगा अपडेटेड। फ्रंट में इसमें आपको 41mm के टेलीस्कोपिक फोक एंड रियर में ट्विन शॉक ऑब्जर्वर भी मिलेगा। टोटल बॉडी पार्ट्स जैसे फ्यूल टैंक एंड साइड पैनल मेटल का होगा। रोडस्टर 350 क्रूजर के अगर हम इंजन एंड स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो इंजन इसमें आपको सेम रिसेंटली डेवलप न्यू 350 सीसी इंजन यूज़ किया जाएगा, जो सेम इंजन आपको मिटियोर 350 एंड क्लासिक 350 में भी देखने को मिलता है। डिस्प्लेसमेंट इसमें आपको मिलेगा 349 सीसी वाइब्रेशन फ्री एयर कूल्ड इंजन एंड ओवरऑल पावर ये बाइक जनरेट कर देगा 20.2 HP तक। टॉर्क इसमें आपको 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलेगा एंड नंबर ऑफ गियर्स इस बाइक में आपको 5 स्पीड गियर मिल जाएंगे। फ्रंट एंड रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक होगी ड्यूल चैनल ABS के साथ। रॉयल एनफील्ड रोडस्टर 350 का कोई भी कंपटीशन नहीं होगा किसी भी बाइक से, क्योंकि ये बाइक पहला फुल फ्लेज क्रूजर बाइक होगा 350 सीसी सेगमेंट में। सो अब बात कर लेते हैं रोडस्टर 350 के ओवरऑल फीचर्स के बारे। तो इस बाइक में आपको राउंड LED हेडलाइट के साथ LED DRLs भी मिलेंगे। मीटर कंसोल इसमें आपको एनालॉग के साथ स्पीडोमीटर भी ऑफर किया जाएगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। अलॉय व्हील के साथ इसमें आपको लॉन्ग वाइजर भी मिलेगा एंड इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS भी मिल जाएगा। ब्रॉड सीट्स भी इस बाइक में आपको मिल जाएंगी। रोडस्टर फुली क्रूजर बाइक होगा एंड इसमें आपको इजी हैंडलिंग के साथ कंफर्टेबल सीट्स भी मिलेंगी। एफिशिएंट ब्रेकिंग सिस्टम भी इस बाइक में आपको ऑफर किया जाएगा एंड इसमें आपको एलुमिनियम अलॉय व्हील्स भी मिल जाएंगे। फीचर्स इसमें आपको काफ़ी एडवांस मिलेंगे। सो अब बात कर लेते हैं रॉयल एनफील्ड रोडस्टर 350 के प्राइसिंग की। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस होगा 2 लाख रुपीज़ तक एंड रोडस्टर 350 का लॉन्च आपको 2022 के मिड में देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको हंटर 350 का लॉन्च देखने को मिलेगा, बाद में रोडस्टर 350 को लॉन्च किया जाएगा इस साल में। बाकी आपके हिसाब से कौन सी रॉयल एनफील्ड की बेस्ट बाइक है, अपकमिंग रॉयल एनफील्ड हंटर 350 या फिर अपकमिंग रॉयल एनफील्ड रोडस्टर 350, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर ये बताएं। सो आज के रिव्यू को इधर ही वाइंड अप करते हैं। स्टिल आपके कोई डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस है बाइक के रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। सो मिलते हैं अगले रिव्यू में। टिल देन टेक केयर ऑफ यू, ड्राइव सेफ।